खेत पर आलू खोद रहे युवक को पड़ोस के युवक ने मारी गोली, युवक की मौके पर हुई मृत्यु। मैनपुरी जनपद के थाना बेबड़ क्षेत्र के ग्राम नंगला पेठ निवासी दीपक कुमार पुत्र इंद्रपाल उम्र करीब 28 वर्ष अपने खेतों पर आलू की खुदाई कर रहा था, तभी राधेश्याम उर्फ शास्त्री निवासी नंगला रति ने किसी मामले को लेकर युवक दीपक कुमार को शराब के नशे में गोली मार दी, जिससे दीपक कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तथा मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने आरोपी राधेश्याम की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं। जल्दी ही हत्यारोपी राधेश्याम को गिरफ्तार किया जाएगा। ये खेत साहब मेरा है। आपका खेत है? मेरे 7 लोग खोद रहे थे जी, और 7 लोग खोद रहे थे, उन लोगों ने जगह तो वहाँ बोरा सिला आलू रही थोड़े जी, तो मैं बोरा सिलना चले गई और मैं बोरा सिल रहा था और तब तक एकदम आवाज आई और मैं एकदम भजके आई, तब एकदम गिर गई और बूढ़ लड़का जो था वो एकदम भाज गया। सत्य किसने मार रही गोली? क्या गोली मारी? एक गोली मारी। कहाँ पे गोली लगी मृतक के? जी यहाँ। अच्छा, मतलब कोई यहाँ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? कोई झगड़ा कोई पुरानी रंजिश थी उसकी? अब जाता भाई, भाई तो मन अगला रहते रहते हैं और बिना अगला कट रहते हैं। जो जिस लड़के की डेथ हुई है वो आपके खेत में काम कर रहा था? हाँ, मेरे खेत में काम कर रहे थे। बेवर थाना अंतर्गत नगला पैठ निवासी दीपक आज हरिराम के खेत से आलू निकाल रहा था, इतने में बगल के गाँव का शास्त्री उर्फ राधेश्याम यादव आया जो दारू पिए हुए था और किसी बात पे नाराज हो करके दीपक के ऊपर फायर किया, जिससे मौके पर उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है, 3 टीमें गठित की गई हैं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है।